आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महत्तम का 8वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान विष्णु की कृपा से पापों का नाश होता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति आती है, पुत्र पोत्रों में वृद्धि होती है, वे संतान भाग्यशाली होती है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। नारद जी द्वारा राजा पृथु को कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि बताना। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि सुनाता हूँ, सुनो। व्रत पूरा होने के फल मिलने और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी से सुशोभित एक चार द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल माला और चमर आदि से सजावें। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील सुशील जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वोत्तोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहां शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष ब्रह्मा आदि देवता और इंद्र आदि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडोपचार से करें और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। तत्पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मात्र से वैकुंठ धाम को पाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महत्तम को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सहस्त्र गायों के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है और वैष्णवों के मन को आनंद देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुंह से व्यथा की बकवाद नहीं करता है उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। तदांतर पूर्णमासी के दिन
स्त्री सहित 30 अथवा एक ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दें, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम जप और दान अक्षय फल देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। देवताओं तुलसी और कपिला गो का पूजन करें। फिर सपत्नी वस्त्र आभूषणों से सुजज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन और समापन करावें तथा प्रार्थना करें और कहें, आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे सातों जन्म के पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान पुत्र पौत्र आदि दीर्घ आयु हों तथा पूजन करने से मेरे मनोरथ सफल हों और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन करा के और पूजा कर पूजा विसर्जित करें तथा पूजा की सामग्री एक गो के सहित गुरु को निवेदित करें। फिर परिवार व मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक और माघ की ऐसी ही विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर भगवान विष्णु के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं। वे ही सदा पूज्य हैं और वे ही सफल मनोरथ हैं। कार्तिक के उपवास के भय से शरीर में स्थित सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। वे व्रती के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो कार्तिक महात्म को भक्ति पूर्वक सुनते पढ़ते और दूसरों को सुनाते हैं वे पाप रहित होकर उत्तम फल प्राप्त करते हैं। इति कार्तिक महत्तम 8वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।